आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब आडवाणी जी के रथ को रोका था और आडवाणी जी को जब गिरफ्तार किया था, तो उस समय देश के कई राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत थी। इनके अतीत का दर्शन लगभग हर कोई करते हैं। आप कहाँ सरकार किन राज्यों में किसके साथ चलाते हैं, आपके क्या नीति है, वह भी लोगों को पता। लालू प्रसाद यादव लगातार कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हम अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के द्वारा ही आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि RJD और BJP में साठ गांठ है। बात करेंगे RJD के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव उनसे। कांग्रेस कह रही है कि आपका BJP से साठ गांठ है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास जी पहले राहुल गांधी जी के वक्तव्यों को पूरी तौर पर समझ लें। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस के अंदर में RSS के ज़्यादा लोग हैं और उससे प्रभावित लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अतीत, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा देश के लोग जानते हैं कि फिरका परस्त ताकतों से कभी राष्ट्रीय जनता दल ने समझौता नहीं किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब आडवाणी जी के रथ को रोका था और आडवाणी जी को जब गिरफ्तार किया था, तो उस समय देश के कई राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत थी। इनके अतीत का दर्शन लगभग हर कोई करते हैं। आप कहाँ सरकार किन राज्यों में किसके साथ चलाते हैं, आपके क्या नीति है, वह भी लोगों को पता है। और 70 सीटें आपको मिली थी बिहार के अंदर में, 19 जो विधायक है ना, उसमें सारे ईंट गिट्टे और गिट्टी और सीमेंट जो है राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं के खून पसीना का लगा हुआ है। तो भक्त चरण दास जी पता नहीं कहाँ से आते हैं नए नए, इनको अतीत का दर्शन है कि नहीं है, नया प्याज ज़्यादा खा रहे हैं ये। जितने भी बिहार के इसके पहले के अध्यक्ष रहे हैं वो सब तो जाकर के भाजपा जदयू से समझौता कर लिया है। इनको कम से कम अपने अतीतों का भी अवलोकन करनी चाहिए। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों के प्रति समझौता नहीं करता। और जहाँ तक सवाल है दो उपचुनाव का, तो 2 तारीख के बाद गिन लीजिएगा ना मत की गिनती, तो अंदाजा लग जाएगा। लगातार आप लोग पर आरोप इस तरीके का आ रहा है कि तेजस्वी यादव मनमानी कर रहे हैं, गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं, और अब यहाँ तक कह दिया गया कि अब आप BJP के साथ। अगर मनमानी किए हुए होते तो इनको 70 सीटें नसीब नहीं होती। और ये भूल जाते हैं कि 70 सीट देकर करके हम लोगों ने कहीं न कहीं कांग्रेस का सम्मान नहीं रखा सिर्फ, बल्कि आज सत्ता से जो दूर हैं, यह सिर्फ अगर किसी एक के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ा जाए वो कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी ने पैराशूट से कैंडिडेट को उतारा। जिनका न क्षेत्र का ज्ञान है न धरातल पर कोई पकड़ है, ऐसे ऐसे लोगों के जमघट लगा करके कांग्रेस भाजपा को मदद कर रही है। 72 सीटें कांग्रेस की सीटें भाजपा जीत लेके गई, भाजपा किससे मिली हुई है ये बताने की जरूरत है, ये सबको पता है। इसलिए ज़्यादा भक्त चरण दास जी की जो भक्ति है ना, वो भाजपा प्रस्त भक्ति है, और यही कारण है कि वो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं। चलिए, तो ये थे RJD के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। भक्त चरण दास ने जिस तरीके से बयान दिया है तो RJD की तरफ से पलटवार किया गया है। RJD ने कहा है कि भक्त चरण दास जो हैं